इस वक्त एक और बड़ी खबर की, बीजेपी में शामिल होंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में बीजेपी में शामिल होंगे मनीष कश्यप। बीजेपी ऑफिस मनीष कश्यप पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि मनोज तिवारी से बातचीत के बाद उनकी सहमति बन चुकी है। दिल्ली मनीष कश्यप मनोज तिवारी के साथ ही पहुंचे, जो खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और बताया जा रहा है अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं मनीष कश्यप। और दिल्ली संवाददाता विनीत कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, क्या कुछ समय बताया जा रहा है जब बीजेपी में शामिल होंगे मनीष कश्यप, और क्या कुछ अपडेट? आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें औपचारिक तौर पर मनीष कश्यप को जो है वो बीजेपी में शामिल करवाया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनीष कश्यप जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय आ गए हैं और उनके साथ उनकी माँ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनीष कश्यप को लेकर के बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय जो है वो मनोज तिवारी जो आए हुए हैं, बीजेपी के सांसद हैं, और उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है उनके ज्वाइनिंग में बताई जा रही है। और मनीष जो है कहा, ये माना यह जा रहा है कि मनोज तिवारी के माध्यम से ही यह ज्वाइनिंग जो है वो हो पा रही है। तो एक बड़ी खबर यह है कि मनीष कश्यप जो है वो यहां पर पहुंच गए हैं और उसके साथ उनके साथ जो है उनकी मां भी यहां पर मौजूद है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारी अनौपचारिक बातें हो रही थी उस वक्त में जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में से काफी प्रभावित उनकी मां है और उसी उन्हीं के प्रभाव के कारण मनीष कश्यप जो है वो बीजेपी में शामिल हो रही है। माना यह जा रहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उनकी मां जो नहीं उन्हें मैं प्रेरित किया और उन्हें मैं कहीं ना कहीं निर्देश दिया और उसके बाद ही मनीष कश्यप जो है वो बीजेपी में शामिल में हो रहे हैं। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब उनके मनीष कश्यप जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय आए हुए हैं उनके साथ उनकी माँ भी उनके साथ मौजूद है और अभी वो बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में मौजूद है। अब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन मौजूद रहेंगे विनीत, इसको लेकर कुछ अपडेट है? जी निश्चित तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब थोड़ी देर बाद जब बीजेपी का ज्वाइनिंग कार्यक्रम होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उस समय जो है मैं बीजेपी के जो सांसद हैं वो मनोज तिवारी वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ बिहार बीजेपी के MLC हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी हैं संजय मयूख, वो भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो साफ तौर पर यहाँ पर मनोज तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी मनीष कश्यप को ज्वाइनिंग में। इसके साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और वो भी यहाँ पर बैठक में मौजूद रहेंगे जब उनकी ज्वाइनिंग होगी। जी विनीत, जो सहमति की बात हम लगातार कह रहे हैं कि जब बातचीत हुई मनोज तिवारी और मनीष कश्यप की तो किसी बात पर सहमति बनी और उसके बाद ही ये ज्वाइनिंग जो है प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, क्या इसको लेकर कुछ अपडेट है? क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी? ये लाइव तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है, अब देखिए कुछ देर के बाद यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मनीष कश्यप आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, उनके साथ उनकी माँ है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सांसद मनोज तिवारी यहाँ पर मौजूद है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख की यहाँ पर मौजूदगी है और देखिए मनीष कश्यप को आज सांसद अनिल बलूनी जी हैं और दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद माननीय मनोज तिवारी जी हैं और मंच पर आप जिस चर्चित चेहरे को देख रहे हैं वह देश के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अभूतपूर्व ख्याति अर्जित की है और उस व्यक्ति ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में आस्था प्रकट करते हुए विकास के उस पथ पर चलने का संकल्प लिया है। तो हम चाहते हैं कि माननीय अनिल बलूनी जी और माननीय मनोज तिवारी जी मनीष कश्यप जी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं। बगल में उनकी माता जी भी हैं। तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, देखिए बीजेपी मुख्यालय में मनीष कश्यप मौजूद हैं, वहां आपको मनोज तिवारी नजर आ रहे हैं, देखिए मनीष कश्यप के साथ उनकी मां भी हैं और अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं मनीष कश्यप।
जैसा कि हमने आपको बताया था, न्यूज 18 बिहार झारखंड की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। हमने आपको पहले ही बताया था कि आज मनीष कश्यप जो है बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और अब वो शामिल हो चुके हैं। देखना होगा क्या कुछ बातें अभी। मैं आग्रह करूंगा माननीय अनिल मनोज तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें। माननीय मनोज तिवारी जी, नमस्कार। दोस्तों, मैं आज बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। जब हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और मीडिया हेड अनिल बलूनी जी की उपस्थिति में हमारे बिहार के एक विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के इस मीडिया विभाग के सह संयोजक को हेड संजय मयूक जी की उपस्थिति में आज मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और साथ में एक बड़ी सुखद दृश्य है कि मनीष कश्यप जी के साथ उनकी माता जी यहां पे उपस्थित हैं। जैसा हमारे संजय मयूक जी ने कहा, मनीष कश्यप ने जनता के सरोकार को उठाया और हमेशा उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में बातें भी करी, लेकिन इसी देश में कुछ गैर भाजपा सरकारों ने अपने समय में मनीष को बहुत तकलीफें भी दी और उन तकलीफों का भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उन परिस्थितियों में मनीष कश्यप का साथ दिया। मैं तो उनके गांव तक होके आया जब वो जेल में बंद होते थे। 9 महीने उनको जेल काटना पड़ा क्योंकि लोग उनकी आवाज को बंद करना चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक हमेशा से हम लोग ऐसे लोगों के साथ खड़े रहे हैं जो लोग समाज में कुछ बातों को उठाते हैं। और आज आप सबको पता है मनीष कश्यप बीच में अपनी यात्रा में वो बिहार में चुनाव लड़ने का भी निर्णय ले लिए थे, लेकिन आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उनकी माता जी के साथ में यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उनके बहुत सारे साथी जो देश के बड़े बड़े योद्धा हैं, मीडिया के क्षेत्र में भी, यूट्यूब के क्षेत्र में भी, सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में भी, तो मेरे लिए खुशी का विषय है कि मेरा छोटा भाई मनीष कश्यप वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और बाकी हम हमेशा उनका सम्मान करेंगे, उनके योग्यता के अनुसार